ऊपर वाले का करम है कि ऊपर वाले ने हमारी दुआएं सुना, हमने अल्लाह ताला से दुआ करे तो वो लोगों ने जो है बोले अब छोड़ना चाह रहे थे, तो भाई खुद छोड़ना है, तो अब इन्होंने बोले भाई तुम छोड़ेंगे तो कहाँ छोड़ेंगे, पाकिस्तान में तो हमको मैं रहूंगी नहीं, मेरा तो वतन हिंदुस्तान, तुमको तो मैं शुरू से जब से आई जब से हिंदुस्तान मेरा वतन बोले, अब तुम डॉक्यूमेंट के नए आधार पर तुमने मेरे को यहाँ रोक के रखा, हिसाब से फिर उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान की एम्बेसी में भेजे उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी एक औरत है कोई ऐसा ऐसा बोल, तो पहले सहारनपुर के एड्रेस पर गए उन लोगों को कुछ मिला नहीं, फिर पाँच छः महीने साल भर वैसे हो गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ का एड्रेस इनसे लिया, तो फिर वो तकलीफ ज़्यादा शिद्दत उठाने के बाद में इंसान की थोड़ा तकलीफ हो गया, फिर इन्होंने पक्का एड्रेस दिए, फिर वो पक्का एड्रेस जब इनको याद आया जब इन्होंने पक्का एड्रेस दिए तो वो लोग फिर यहाँ आए, तो हम सब पढ़े लिखे लोग थे, हम तो ऐसा ही इनकी तलाश में लगे हुए थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जैसे ही हमको पता चला हमने बोले भाई हमारी खाना है आप जो बोलेंगे हम हर किस्म की कार्रवाई करने को तैयार हैं, बाकी हमसे जितना भी हो हमने भागदौड़ करे